हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू स्टैंडर्ड 8. दिस इज सोशल साइंस चैप्टर 1, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ डिड दिस यूरोपियन केम टू अवर कंट्री एंड व्हाट वाज द purpose of the Europeans to came to our country, how did they find a new sea route, and how in this all Europeans, Britishes became established their supremacy in our country and ruled over 200 years in our country. So, A standard ka aapka ye first chapter hai, semester 1. टोटल सेमिस्टर 1 में चैप्टर 9th है. सो सेमिस्टर 1 इज़ शॉर्ट देन सेमिस्टर 2, क्योंकि सेमिस्टर 2 में 14 चैप्टर है. तो सेमिस्टर 1 काफ़ी इजी है कंपेयर टू सेमिस्टर 2. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रिस्टोफर कोलंबस फर्स्ट, देन आफ्टर वास्को द गामा, देन आफ्टर एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल, the Dutch colony, British interest in India, the French rule, British trade in Bengal, Battle of Plassey, Battle of Buxar, and in the last, the exercise. So let me tell you first that this same chapter you will study in Standard 9 also. So this is the base. And even you all studied all these details from Standard 5th. In 5th, you studied about Battle of Plassey and the British rule time. So nothing is new to understand, but there is some details are different than the lower standard. And next year in 9th standard, you will study more details than this A standard. So let's start the chapter. Before 17th century, India was known as the golden bird in the world. It means that India was one of the most prosperous country of the world. वो time पर जो India की prosperity थी वो बाकी जो world के countries थे उनको attract करती थी, और हमारा trade जो था international trade वो world के काफ़ी सारे countries के साथ था. European countries तो most, यहाँ से बहुत सारी products जो थी commodities थी वो हम European country में sell करते थे. पर इवेंचुअली जो रास्ते से ये ट्रेड होता था वो किसी रीज़न की वजह से बंद हो गया, यानी अब वहाँ पे यूरोपियंस को एंट्री नहीं थी. एंड देन दिस यूरोपियन पीपल डेस्परेट टू फाइंड आउट अ न्यू सी रूट टू रीच इंडिया ड्यू टू द वेल्थ ऑफ आवर कंट्री एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री. So when we have learnt in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world, our country was distinct in the whole world. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. Many people worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. जैसे आज अमेरिका सुपर पावर है, वैसे पुराने टाइम में इंडिया सुपर पावर कंट्री था. और वैसे भी हमारा कल्चर 5000 इयर्स ओल्ड कल्चर है. यहाँ पे अगर हम 6th सेंचुरी की बात करें तो 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर 2 बिग स्टेट्स, उसमें हमने कनौज और वातापी के बारे में पढ़ा था, मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ दैट टाइम. तो वो टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, और 600 सेंचुरी में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री में थी, जहाँ पे फॉरेन से लोग पढ़ने के लिए आते थे. लाइब्रेरीज थी हमारे यहाँ पे. अमेरिका डिस्कवर हुआ और आज 600 इयर्स हुए हैं, और इंडिया का कल्चर 5000 इयर्स ओल्ड कल्चर है. तो वी शुड प्राउड दैट वी आर इंडियन एंड वी बॉर्न इन टू दैट काइंड ऑफ कंट्री वेयर मैनी legendary persons born. Even the
gods also born on our land. So this shows the prosperity of our country. तो ये प्रॉस्पेरिटी की वजह से वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करने के लिए बहुत ईगर थे. अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाई लैंड रूट फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग. तो यहाँ पे इंडिया है, ये आपको दिख रहा है इंडिया, और ये डिरेक्शन से यूरोप से इंडिया आते थे लैंड रूट से. ये लैंड रूट है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग. फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटूक ट्रेड थ्रू लैंड रूट, बट एज सिचुएशन चेंज ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप्ड. तो कोई रीज़न की वजह से ये लैंड रूट, ऐसा बोला जाता है कि तुर्कीस के जो मुस्लिम थे उन्होंने ये लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से अब यूरोपियन यहाँ पे नहीं आ सकते थे. कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़ लाइक सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पीसीज एक्सेट्रा इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्रीज. और हमारी जितनी भी कमोडिटीज़ थी उसकी डिमांड यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़, ये जो है ये पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे जो हमारी कमोडिटीज़ की डिमांड डे टू डे इंक्रीज़ हो रही थी. तो टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया. तो ये सिचुएशन का बेनिफिट लेने के लिए वहाँ के जो मर्चेंट थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने इंडिया आने का नया रास्ता ढूंढना चालू किया. ये रीज़न था. एक स्टार्टिंग में जो यूरोपियंस आए वो आए थे ट्रेड के लिए ही, पर हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि यूनिटी नहीं थी. इसलिए यूनिटी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू फाइट अगेंस्ट एनी प्रॉब्लम. हम जब एक क्लास में होते हैं तो हमें क्लास में यूनिटी दिखानी चाहिए. हम एक स्कूल में जब पढ़ते हैं तो हमें यूनिटी दिखानी चाहिए. जब एक सिटी में रहते, एक स्टेट में रहते, एक कंट्री में रहते हैं तो हमें यूनिटी दिखानी चाहिए. पर वो टाइम पे हमारा जो कंट्री था वो प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था और सब राजा एक दूसरे से बैटल करते रहते थे. ये हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था जो आगे जाके ये यूरोपियन और स्पेशली ब्रिटिशर्स के लिए एडवांटेज बना. वो कैसे बना, क्या हुआ, वो हम जब जब चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे वैसे बात करते जाएंगे. पर यहाँ पे जो नेसेसिटी खड़ी हुई वो क्या थी कि इंडियन कमोडिटीज़ की डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में इंक्रीज़ हुई और उसकी वजह से उनको इंडिया आने के लिए नया रूट ढूंढने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो जो पुराना लैंड रूट था वो अभी बंद हो गया था. सब्सिक्वेंटली सम एडवेंचरियस सेलर्स ऑफ यूरोप एंड अदर कंट्रीज स्टार्टेड द सर्च ऑफ सी रूट टू कम टू इंडिया. तो इसकी वजह से यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के जो सेलर्स थे उन्होंने इंडिया आने का रास्ता ढूंढना चालू किया, क्योंकि उनका मेन पर्पज़ क्या था, ट्रेड करके मैक्सिमम बेनिफिट गेन करना. स्टार्टिंग में तो यही पर्पज़ था कि यहाँ से इंडिया से कमोडिटी परचेस करनी है, यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको सेल करनी है और प्रॉफिट अर्न करना है. ये स्टार्टिंग में पर्पज़ जो था ये यही था. तो उसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़, पोर्टुगीज़ हैं, फ्रांस है, नेदरलैंड है, ये जितने भी कंट्रीज़ थे वहाँ के सेलरों ने डिसाइड किया कि हमें इंडिया जाने का नया रास्ता ढूंढना है. अब यहाँ आपको ये एक बात याद रखनी है, वो टाइम पे कोई GPS नहीं था या कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं था, तो ये इतना इजी भी नहीं था और मशीन्स भी नहीं थे. जो शिप्स थे वो मशीन वाले शिप्स नहीं थे, मैनुअल शिप्स थे जो विंड पावर से फ्लोट होते थे. तो ये सब क्राइटेरिया होने के बाद जितने भी सेलर्स ने ऐसा डिसाइड किया कि हमें इंडिया जाने का रास्ता ढूंढना है, सो देवर द ब्रेव सेलर्स. क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है और आपको कोई नई जगह ढूंढना है तो दैट इज़ शोज योर क्वालिटी ऑफ ब्रेवरी. क्यूरियोसिटी इज़ दैट कि आपको वो
एडवेंचरियस लगे, वहाँ पे आपको डर नहीं लगे। वरना अगर आपको कहीं पे भेज दिया हमने और कोई भी आपके पास लोकेशन फाइंड आउट करने का कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है, देन व्हाट हैपन, यू विल बी अफ्रेड, डर लग जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडवेंचरियस होते हैं, उनको ये सब में एन्जॉयमेंट मिलती है। तो ऐसे कुछ सेलर्स यूरोपियन कंट्रीज़ के थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें इंडिया जाना ही है कैसे भी करके, वी हैव टू फाइंड अ वे टू रीच इंडिया। इन डेट मैनी सेलर्स वो स्टार्टेड दिस वर्क। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, फर्स्ट पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी वॉज गिवन अ परमिशन टू बार्थोलोम्यू डायस। ये पोर्टुगीज के जो किंग थे, पुर्तगाल के किंग प्रिंस हेनरी, उन्होंने वहाँ के सेलर बार्थोलोम्यू डायस को परमिशन दी थी। तो वो कैसे सब एक एक करके सेलर्स ने ट्राई किया, उसके बारे में हमें अभी बात करनी है। सो फर्स्ट क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया था, पर ऐसा बोला जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर कर लिया, पर उनको ये नहीं पता था कि वो अमेरिका है। उनको यही लग रहा था कि उन्होंने इंडिया डिस्कवर किया है। आफ्टर हिज डेथ वन अनदर सेलर हु ट्रैवल टू दैट प्लेस एंड रिसर्च दैट कोलंबस डिड नॉट डिस्कवर इंडिया एंड थस द रीजन नेम गिवन अमेरिका ड्यू टू द सेलर हु डिक्लेयर दिस थिंग एंड हिज नेम वॉज अमेरिगो वेस्पुसी, दैट इज़ वाई द नेम अमेरिका गिवन। सो क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर हु वेंचर्ड आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया। तो यहाँ पे आपको ये मैप में दिख रहा है कि ही वॉज ट्रैवल इन टू ही थॉट डैट वन कैन गो टू ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो। सो ही डिसाइडेड दैट समवन, कोई भी ईस्ट डिरेक्शन से वाया वेस्ट जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपना जो डिरेक्शन है वो वेस्ट डिरेक्शन पे ट्रैवलिंग करना चालू किया, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये उनके सब वोएजिस है, ट्रैवलिंग है। वो 4 बार यहाँ से निकले थे यूरोप से, और ये हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, और ये है उनकी पूरी हिस्ट्री कि कब कब वो फोर वोएजिस विच ट्रैवल्ड बाय कोलंबस। ये उसकी पूरी ये टेबल के अंदर डिटेल्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। सो ही थॉट दैट वन कैन गो टू द ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो। वाई डिड ही बिलीव सो, थिंक अबाउट इट। क्योंकि बाकी जितना भी रीजन है, अगर आप मैप में देखोगे तो लैंड रूट है, तो ये एक ही डिरेक्शन ऐसा था जहाँ पे लार्ज वाटर बॉडीज थी, इसलिए यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट में आ सकते हैं, ऐसा उनके दिमाग में आया। पर जीपीएस ना होने की वजह से उनको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से यू टर्न लेना है, और उसकी वजह से कोलंबस कभी इंडिया नहीं आ सके। यह है इसका रीज़न। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच अमेरिका। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। हैंस इवन टूडे द नेटिव्स ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस एंड द आइलैंड ग्रुप इन द कैरेबियन इज नोन एज द वेस्ट इंडीज। ये कैरेबियन गल्फ बोलते हैं, ये जो रीजन है ना पूरा, इसलिए यहाँ के जो आइलैंड थे उनको बोला गया वेस्ट इंडीज़। वेस्ट में था और कोलंबस को लगा कि उन्होंने इंडिया ढूंढा, इसलिए उसका नाम पड़ा वेस्ट इंडीज़, इंडिया के नाम से बना इंडीज़। तो ये थी स्टोरी क्रिस्टोफर कोलंबस की। ये एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट में 3 मार्क के लिए आ सकता है। पर क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज नॉट सक्सेस टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू रीच टू इंडिया। देन हु वॉज सक्सेस, लेट्स सी डैट। सो द वास्को दी गामा,
दिस इज अ फोटो ऑफ वास्को दी गामा. ही वॉज डिस्कवर्ड द सी रूट टू रीच इंडिया. वास्को द गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. ही एनसर्कल द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कालिकत ऑन 22 May 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन. तो वास्को दी गामा पोर्टुगीज सेलर थे, उन्होंने इंडिया आने के लिए अपनी जर्नी चालू की. वहाँ पे वो पहुँचे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तक. वहाँ पे जो इससे पहले वाला जो सेलर था जिसकी मैंने बात की स्टार्टिंग में, बार्थोलोम्यू डायस, वो वहाँ तक पहुँचा था, साउथ अफ्रीका तक. पर वहाँ से उसको फिर आगे का कोई रास्ता नहीं मिला और उसका जो भी शिप में फूड, वाटर, जो भी गुड्स थे वो ख़त्म होने आए थे, इसलिए वो वहाँ से रिटर्न हो गए. पर उन्होंने अपनी डायरी में वो डिटेल्स लिखी जिसको वास्को दी गामा ने यूज़ किया. अब साउथ अफ्रीका आने के बाद उन्होंने जिस प्लेस पे आके इंडिया कहाँ कैसे जा सकते वो पूछा, वो प्लेस को नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप, क्योंकि यहाँ से उनको एक होप मिली थी कि इंडिया में पहुँच सकता हूँ, इसलिए वो प्लेस को केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया. एंड आफ्टर ऑल ऑन 22 May 1498 ही रीच टू कालीकट पोर्ट बाई क्रॉसिंग द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन क्रॉस करके वो कालीकट पोर्ट आ गया. द देन रूलिंग किंग ऑफ कालीकट जामोरिन गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू ट्रेड. तो वो टाइम पे कालीकट के जो रूलर थे जामोरिन, उन्होंने वास्को दी गामा को परमिशन दी ये पोर्टुगीज को कि वो यहाँ ट्रेड कर सकते हैं. और ऐसे करके यूरोपियन ट्रेड इंडिया में स्टार्ट हुआ 1498. 22 जो डेट है उसमें कहीं पे 17 में मेंशन है, कहीं पे 20 में मेंशन है, पर मंथ एंड ईयर इज़ फिक्स्ड. डेट में थोड़ा हिस्टोरियन जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज है, बट दैट इज़ डजंट वरीड. मेन है कि 1498 में वास्को दी गामा इंडिया पहुंच गए थे. द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश फोर्ट इन कालीकट फॉर ट्रेड इन 1500 CE. तो यहाँ पे सबसे पहला पोर्ट उनका बना 1500 CE में. दे फोर्टिफाइड इट एंड अपॉइंटेड अ कमांडर इन चीफ नेमली अलबुकर्क्यू टू सेफ गार्ड द फोर्ट. अलबुकर्क्यू जो थे वो सेकंड गवर्नर जनरल थे पोर्टुगीज के, और उनको अपॉइंट किया गया उन वो जो फोर्ट बनाया था उसका प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड करने के लिए. मूविंग नॉर्थवर्ड अलबुकर्क्यू कॉन्कर्ड गोवा इन 1510. टेक्स्ट बुक में आपके 1506 लिखा है, पर वो जो कॉन्कर्ड गोवा हुआ था वो 1510 में हुआ था. और ये एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि गोवा वॉज कैप्चर्ड फर्स्ट इन 1510 बाय पोर्टुगीज एंड लास्ट यूरोपियन फ्रॉम इंडिया. दिस पोर्टुगीज वेंट इन 1961 एंड दे लेफ्ट फ्रॉम गोवा. तो ये कोइंसिडेंस है कि गोवा में ही सबसे पहले यूरोपियन आए ये पोर्टुगीज, और आफ्टर द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947 द लास्ट कॉलोनी ऑफ यूरोपियन पोर्टुगीज वॉज लेफ्ट गोवा इन 1961. तो सबसे पहले गोवा में ही रूल चालू हुआ और सबसे लास्ट में गोवा ही फ्री हुआ. तो 1510 में अलबुकर्क्यू ने गोवा कैप्चर कर लिया. दिस इज अ फोटो ऑफ अलबुकर्क्यू. विदिन अ स्पान ऑफ 100 years द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका. तो 1510 से लेके 1610, 100 years में पोर्टुगीज लोग ने यहाँ पे मैंगलोर, कोची, गोवा, दीव, मुंबई एंड श्रीलंका तक अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया. तो इस तरह से इंडिया सबसे पहले डिस्कवर हुआ पोर्टुगीजों
जो सेलर्स थे उनके थ्रू, जिसमें वास्को दी गामा का नाम आता है। नाउ एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल। अब ये जो पोर्टुगीज रूल था वो यहाँ पे कैसे ख़त्म हुआ? तो इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द पोर्टुगीज एक्सपांडेड देयर ट्रेड टू बंगाल। तो 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पोर्टुगीज़ ने अपना जो ट्रेड था वो बंगाल रीजन तक एक्सपांड किया। अब वो टाइम पे जो बंगाल था वो बहुत बड़ा बंगाल था और सबसे प्रॉस्परस रीजन था। जो अभी का बांग्लादेश है वो तब बंगाल रीजन का पार्ट था और उसको बोलते थे ईस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल अभी भी इंडिया में है। तो बंगाल को उनको कॉन्कर्ट करना था। एट दिस टाइम द मुगल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज। थस द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डिमोलाइज्ड एंड द शिप वे बर्न एज पर द ऑर्डर ऑफ द एम्परर। तो शाहजहाँ ने ऑर्डर कर दिया, जब वहाँ बंगाल के सूबेदार ने कंप्लेन की कि ये पोर्टुगीज़ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनको डाउट्स है, तो शाहजहाँ ने तुरंत ऑर्डर दिया और ब्रिटिशर्स के जितने फोर्ट्स थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके जो शिप्स थे हुगली में वो सब जला दिए। इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल केम टू इन टू एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव दमन एंड गोवा। तो इस तरह से पोर्टुगीज रूल का यहाँ इंडिया में एंड हुआ। उनके पास लिमिटेड टेरिटरीज रही दीव दमन और गोवा, और मुंबई जो था वो भी एक उसके पीछे स्टोरी है कि ब्रिटिशर्स के कोई प्रिंस ने ये पोर्टुगीज प्रिंसेस के साथ मैरिज किया था, तो एज अ होमेज उन्होंने ये मुंबई उनको ब्रिटिशर्स को दे दिया था। ऐसा एक स्टोरी है जो आपको आगे आगे वाले स्टैंडर्ड में पता चलेगा, हिस्ट्री में इस हिसाब से डिटेल्स मेंशन है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोर्टुगीज रूल इन आवर कंट्री। अब पोर्टुगीज़ के बाद डच आए। आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ द अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी द डच ऑफ हॉलैंड, नाउ इट इज़ नोन एज द नेदरलैंड, केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। तो डच पीपल इंडिया में आए 16th सेंचुरी में। दे एस्टाब्लिश फोर्ट्स एट पुलिकट। तो यहाँ पे मैप में आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है, ये पुलिकट है एंड मद्रास जो चेन्नई है ये वाला, यहाँ पे उन्होंने अपना फोर्ट एस्टाब्लिश किया। दे ऑल्सो एस्टाब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। ये आगरा है, यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर चालू किया 1663 में। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। तो वही ड्यूरेशन 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए। तो ये डच जो थे वो ब्रिटिशर्स के सामने कंपटीशन में वीक हो गए थे और ब्रिटिश पावरफुल बन गए, इसलिए डच कुड नॉट विस्टैंड द कंपटीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसलिए डच कॉलोनी जो थी वो इंडिया में ज़्यादा सेट नहीं हो सकी ड्यू टू द वीकन अगेंस्ट दिस ब्रिटिशर्स। अब हमें देखना है ब्रिटिश को इंडिया में क्यों इंटरेस्ट आया और किस तरह से वो इंडिया में आए। सो द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। सो ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE द ब्रिटिश एस्टाब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 सेंचुरी में जब इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का रूल था तब ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश की, क्योंकि इंडिया ईस्ट में आया था, इसलिए हम जो भी यूरोपियन कंपनीज़ का नाम सुनेंगे वो इस हिसाब से ही होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यूरोप जो है वो वेस्ट में है और इंडिया जो है ईस्ट में है, इसलिए जितनी भी ये यूरोपियंस थे, जितनी कंट्रीज थी, वो अपनी कंपनीज़ का नाम इस तरह से रखते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है इसलिए। दिस कंपनी बिलोंग्स टू मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया। तो ये जो
ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो बनी थी उसमें सब मर्चेंट थे जिनको अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी थी, और यहाँ से इंडिया के साथ उनको ट्रेड करना था। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 CE। तो सबसे पहला जो ब्रिटिश शिप इंडिया में आया वो 1608 CE में सूरत में आया था। सूरत वॉज द पोर्ट। कैप्टन विलियम हॉकिंस, द कैप्टन ऑफ द शिप, वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश थे जिन्होंने इंडिया में पैर रखा वो थे विलियम हॉकिंस, जो वो शिप के कैप्टन थे। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट, ये जो है उनका फोटो है विलियम हॉकिंस का, वो जहांगीर से मिले बट जहांगीर डिड नॉट गिवन देम परमिशन टू ट्रेड, तो वो वापस चले गए। देयर आफ्टर सर थॉमस रॉय अराइव्ड इन इंडिया, ये है थॉमस रॉय, उसके बाद थॉमस रॉय इंडिया में आए। इन इंडिया हु एक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। लेटर दिल्ली वेंट इन टू द हैंड्स ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। तो जब विलियम्स हॉकिंस जब परमिशन मांगने दिल्ली गए तब जहांगीर का रूल इंडिया में था, और उसके काफ़ी सालों बाद जब सर थॉमस रॉय इंडिया में आए और वो दिल्ली में परमिशन लेने गए तब वहाँ पे रूलर थे शाहजहाँ, और शाहजहाँ ने ब्रिटिशर्स को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दे दी। इस तरह से इंडिया में ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ट्रेड चालू हुआ। शाहजहाँ गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। तो इस तरह से शाहजहाँ ने उनको परमिशन दी यहाँ ट्रेड करने की। तो स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स आए उनका पर्पस था ट्रेड करना, पर फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है तो धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, और फिर पूरा इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर 200 ईयर्स तक हमने सर्वाइव किया। अब हमें देखना है फ्रेंच, फ्रेंच कैसे यहाँ पे आए। द फ्रेंच एस्टैब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664। अब यहाँ पे ये जितने ईयर्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री में ईयर्स एंड डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये ईयर्स और डेट ही आते हैं। और ये बहुत सिंपल है, अगर आप उसको एक बार याद कर लोगे तो। अभी जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 8 स्टैंडर्ड में 1664 में बनी थी, तो 10th में भी वही साल में बनी होगी, बनी रहेगी, ये कोई ईयर तो चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए एक टाइम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर एक बार आपको वो याद हो गया तो फिर वो जब तक ये हिस्ट्री का आप स्टडी करोगे आपको हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इन द ईयर 1664, दे एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। तो ये मैप में आपको सब प्लेस दिखाई देंगे। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स, ये उनका फोटो है, हु हैड द डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया। इनकी ये डिज़ायर थे कि उनको यहाँ पे यूरोपियन रूल को एस्टेब्लिश करना है, एक्सपांड करना है। थस द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश स्टूड इन कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ईच अदर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी। ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे, फ्रेंच भी यही चाहते थे, इसलिए वो अब सामने सामने आ गए। देर वेर इन्यूमरेबल डिस्प्यूट्स एंड बैटल्स एंड फाइनली द ब्रिटिश इमर्ज एज द विनर्स। हाउएवर द फ्रेंच रिटेन देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पुंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। तो ये है चंद्र, पुंडीचेरी ये वाला, और ये माहे, ये तीन जो प्लेस थे वो फ्रेंच के पास रहे, बाकी जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में टू टाइम्स दे फॉट टू ईच अदर इन 1746 एंड 1763, एंड दिस बैटल वाज नोन एज द वॉर ऑफ मैसूर। मैसूर में ये बैटल हुई थी, और
सभी बार फ्रेंच डिफीट हुए और उसकी वजह से ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो इस तरह से जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वो साउथ में पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर तक लिमिटेड रही। अब आगे ब्रिटिश ने कैसे बंगाल में अपना ट्रेड डेवलप किया, फिर आगे जाके कैसे उन्होंने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में इंटरफियर किया और कैसे करके पूरे इंडिया पे रूल किया, उसकी स्टोरी है। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। इतने टॉपिक में कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो यू कैन टेक्स्ट मी और यू हैव टू गो टू द लिंक ऑफ दिस वीडियो, यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज यू हैव टू पास कॉमेंट्स एंड गिव सजेशंस। आपको जो भी क्वेरी है वो वहाँ पे टेक्स्ट करना है और लाइक और शेयर तो करना ही है, और जितने हो सके अपने फ्रेंड्स को भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो पार्ट टू में हम देखेंगे ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। थैंक यू वेरी मच।